दोस्तों खुश आमदीद आप सबका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल कश्मीर गार्डन्स में। आज जो ये फ्लावर्स, खूबसूरत फ्लावर्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जिनका नाम है प्रेमोला, बहुत सारे कंट्रीज़ में इसे प्राइम रोज़ के नाम से भी जानते हैं। आपके इलाके में किस नाम से इसको पुकारते हैं या जानते हैं, नीचे दिया हुआ जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप ज़रूर लिखिए ताकि हमें भी नॉलेज में इजाफा हो जाए। दोस्तों एक तहकीक के मुताबिक जो है इसके 400 से ज़्यादा स्पाइसेस पाई जाती हैं और अलग अलग देशों में पाई जाती हैं। बहुत ही रिसर्च की हमने इसके ऊपर, इसलिए आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आप स्किप ना करें, और उन हजरात से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से नीचे दिया हुआ जो लाल बटन है सब्सक्रिप्शन का उसको दबाएं और साथ में बेल आइकन का बटन मिलेगा उसको भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सही समय पे पहुंच जाए। दोस्तों 400 से ज़्यादा किस्में इसके पाई जाते हैं, 400 से ज़्यादा जो स्पेशीज है, अलग अलग वराइटीज़ है, अलग अलग मुल्कों में पाई जाती है जिसमें चाइना, यूरोप, अफगानिस्तान, साउथ ईस्ट तिब्बत का इलाका है और बर्मा, वेस्टर्न टर्की और जर्मनी के इलाके जो है उसमें ये पाया जाता है। हमारे जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी सालों से हम ये जो है प्रेमोला को देख रहे हैं और जो है ये बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लावरिंग हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इसकी होती है क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है हमारे साथ में बिल्कुल मैच खाता है। जैसे चाइना, यूरोप और जो यूनाइटेड स्टेट्स के इलाके हैं वहाँ पर एंड जो विंटर है या अर्ली स्प्रिंग्स में ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। इसी तरह से हमारे फेब के महीने से ही यहाँ पे ये मई जून तक ये फ्लावरिंग करता है। दोस्तों कहीं सारे इसके जो हमारे यहाँ पे वैरायटीज़ पाई जाती हैं, आज मैं चंद एक वैरायटीज़ के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर भी जो है 12 डिग्री से जो है 18 डिग्री तक बहुत सारे इसमें फ्लावर आते हैं। आप देख सकते हैं मैंने ये कुछ वैरायटी जो है अपने नज़दीकी नर्सरी से लाए हैं, चंद एक वैरायटी जो पहले से ही मेरे पास मौजूद थी, जो ये लाल वाला आप देख रहे हैं, लेकिन ये पूरी जो है ना अच्छी तरीके से फ्लावरिंग नहीं करता है, जल्दी इसके एक पारी फ्लावर देने के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं इसके फ्लावर्स। और ये जो वैरायटी मेरे पास में ये हाइब्रिड वैरायटी है, इसके लिए मैंने मिट्टी तैयार करके रखी है जिसमें मैंने 40% जो है कोकोपीट लाया है और 30% मैंने वर्मी कंपोज और 30% मैंने इसमें जो गार्डन सोइल लगाया है और मैंने मिक्सचर तैयार किया है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हम जो है ग्रो बैग में इसको लगा सकते हैं। आप हैंगिंग जो हमारे पॉट्स होते हैं वहाँ पे भी लगा, उसमें भी लगा सकते हैं और सीमेंट पॉट में या अपना प्लास्टिक पॉट है उसमें भी लगा सकते हैं। मैंने इसको पानी दिया है आपको दिखाने के लिए। आज हम इनसे कैसे मल्टी ब्रांच ले लेंगे मैं इसके ऊपर आज बात करने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं पूरी तरह से इसको मैंने लगाया है। अगर इसका जो पूरे साल आप फ्लावर देखना चाहते हैं इसके लिए आपको मई के महीने में इसको हटाना पड़ेगा, डायरेक्ट इसको सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए। अगर इसको 20-25 डिग्री से ज़्यादा गर्मी पड़ी, यहाँ पे ये दिखाया गया है रिसर्च के मुताबिक कि 18 डिग्री से ज़्यादा इसके टेम्परेचर, लेकिन कश्मीर का जो है 25 डिग्री से मैंने देखा है कि 25 डिग्री ज़्यादा अगर इसकी ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़े तो ये मुरझाने लगता है। आपको मैं इतना ही सलाह दे सकता हूँ कि आप इसको जल्दी से उस वक्त छाँव में ले जाएंगे जब धूप ज़्यादा बढ़ती है तो आप इसको पूरा साल फ्लावर देखेंगे इसके ऊपर। तो मल्टी ब्रांच मैंने इसको निकालने हैं आज, यही मेरा आज टारगेट है। मैं नवंबर के महीने में इसको अलग से आप देख सकते हैं, इसकी सिचुएशन इस तरह से होती है नवंबर के महीने में, बहुत सारे मल्टी ब्रांच से निकल सकते हैं और इसको आप सेव रख सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। मैंने लास्ट ईयर 2022 के ये नवंबर का ये वीडियो है और ये आज 2023 चल रहा है। आप देख सकते हैं 2022 में मैंने इस तरह से जो है ये पॉलिथीन के छोटे छोटे लिफाफे लाए, इसमें मैंने पंच किया था ताकि ये जो ड्रेनेज रहे वाटर के लिए निकलने के लिए तो वो बरकरार रहे, इसमें जो मॉइस्चराइजर रहे और लेकिन इसमें ज़्यादा देर तक पानी ना रहे। आप देख सकते हैं मैं इसको अलग अलग निकाल रहा हूँ, ये छोटे छोटे जो इसके पौधे हैं नन्हे मुन्ने, तो इस तरह से इसके मल्टी ब्रांच निकल सकते हैं, 1, 4, 5, 6, 10 भी निकल सकते हैं जितना ग्रोथ इसको मिला होगा पूरे साल। अब मैं इसको जो है मुरझाए हुए जो पत्ते हैं, डैमेज जो लीव्स हैं उनको निकाल रहा हूं ताकि ये स्वस्थ रहे और ये नए लीव्स पे काम करना शुरू कर दें और जल्दी से इसके फ्लावरिंग शुरू हो जाए। इस तरह से हम लोग ये नर्सरी इसकी बनाएंगे। आप देख सकते हैं ढेर सारी मैंने नर्सरी बना के रखी हैं, अब अलग अलग ब्रांच में बना के रखी हैं, अलग अलग मैं इसको पॉलिथीन में भर रहा हूँ, तो इसके लिए भी मैंने सैंडी मिट्टी तैयार करके रखी है जो मैंने पहले आपको रेशो बना के दिया हुआ है।
तो इस तरह से हम इसको अब जो है सर्दियों में रखेंगे, कहीं आप इसको बाहर भी रख सकते हैं, इसकी कोई टेंशन नहीं है। इसके ऊपर बर्फबारी पड़े बारिश पड़े कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं नर्सरी मैंने तैयार करके रखी है। अब मैं इसको पानी दे दूँगा, पानी देने के बाद ये आराम से ये जो अपना काम करेगा सर्दियों में। अगर आप के पास पॉली हाउस है तो ठीक, अगर नहीं है तो बाहर आप आउटडोर में रख सकते हैं। आप इसको हैंगिंग गार्डन में लगा सकते हैं, आउटडोर में लगा सकते हैं, बेड्स में लगा सकते हैं जो अपने फ्लावर बेड्स हैं। तो इस तरह से आप ये कोशिशें जो है कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो है आप मल्टी ब्रांच इसमें हासिल कर सकते हैं। दोस्तों ऐसी कोशिशें हम अक्सर करते रहते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, साथ में हमारे इस चैनल का भी, आपका और मेरा। अल्लाह हाफिज़।